फ्रेंड्स वेलकम इन बीबीवीएन ऑनलाइन क्लास। हम हमारा चैप्टर 9 कर रहे थे अकल बड़ी या भैंस। उसके अंदर एक एक्सरसाइज और रह गई है स्टूडेंट्स, तो वो एक्सरसाइज आपको सिर्फ इसके अंदर अंडरलाइन लगानी है, यानी कि नीचे शब्द की रेखा खींचनी है, ना ही नोटबुक में करनी है। ओके चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। कभी कभी हम अपनी बात करते हुए ऐसे शब्द भी बोल देते हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं होती, यानी कि कई कई बार हम अननेसेसरी शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे एक जैसे दो शब्द कर लेते हैं, एक जैसे तीन शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं, तो वह शब्दों की ज़रूरत नहीं होती है। इसी तरह इन वाक्यों में कुछ शब्द फालतू हैं, यानी कि फिजूल है, बेकार है। फालतू यानी फिजूल, बेकार, उन्हें ढूंढकर अलग करना है। ओके तो यह एक्टिविटी आपको बुक में सिर्फ रेखा खींचनी है। आपकी बुक में दी हुई है यह एक्टिविटी, पेज नंबर है आपका 84, पेज नंबर 84 पे यह एक्टिविटी दी हुई है। नोटबुक में नहीं करनी है स्टूडेंट्स, सब कुछ आप नोटबुक में नहीं करेंगे। जो बुक में दिया हुआ है सारी एक्सरसाइज वो बुक में ही करनी होती है, और सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स जो मैं बताती हूँ वही नोटबुक में करनी होती है। नहीं तो आप फिर बाद में एग्ज़ाम में आप भी कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि क्या क्या लर्न करें। आपके बहुत सारी एक्टिविटीज़ बुक के अंदर दी हुई है, करेंगे तो हम सभी एक्टिविटीज़, लेकिन सारी की सारी सिर्फ समझने की होती है, कुछ चीज़ें लर्न करने की होती है, कुछ समझने की होती है। ओके तो हम यही देखते हैं। कई बार जैसे मैंने एक शब्द बोला, दिन और दिवस साथ में बोल दिया, गरीब और दीन, गरीब और दीनों को भोजन दो, तो यहाँ पे गरीब बोल दो चाहे दीन बोल दो, एक ही बात है। तो हम ऐसे फालतू शब्दों का प्रयोग हमें वाक्यों में या हमारी भाषा शैली में नहीं करना चाहिए, यह गलत आदतें होती हैं। अब इन वाक्यों में हम पढ़ते हैं, देखिए, बाजार से हरा धनिया पत्ती भी ले आना। अधिकतर ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देते हैं। तो जैसे आपने इस वाक्य में पढ़ा, बाजार से, ठीक है, हरा धनिया ये भी ठीक है, पत्ती भी ले आना। अब हरा धनिया पत्ती, हरा धनिया है उसमें पत्ती लगी हुई है, कॉमन सेंस की बात है ये तो, कि हरे धनिया में पत्ती होती है। सूखा धनिया आता है उसमें तो पत्ती आती नहीं है, तो जब हरा धनिया बोल दिया तो पत्ती लगाने की ज़रूरत नहीं है। या फिर धनिया पत्ती बोलेंगे तब अगला समझ जाएगा कि कौन सा धनिया लेके आना है। ओके तो आप यहाँ पे पत्ती पे अंडरलाइन लगा देंगे, या तो या हरा पे लगा देंगे, दोनों में से किसी एक पे। ओके धनिया पत्ती बोल सकते हैं या फिर हरा धनिया, दोनों शब्दों का प्रयोग करने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, हम बोलेंगे बाजार से हरा धनिया भी ले आना। ओके या फिर हम बोलेंगे बाजार से धनिया पत्ती भी ले आना। अब नेक्स्ट जो है उसमें है, एक पीला पका पपीता काट लो। अब आप मुझे बताइए, पका पपीता कैसे रंग का होता है? पीला ही होता है। हरा पपीता जो होता है वो तो कच्चा होता है ना, वो पका हुआ होता ही नहीं है। तो यहाँ पे अब आप बताएंगे कौन सा शब्द जो है वो फालतू है, यानी कि फिजूल है। फालतू का मतलब फिजूल, बेकार, ज़बरदस्ती उसका प्रयोग किया गया है। आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे या तो पीला पपीता आएगा या पका पपीता आएगा, दोनों में से एक शब्द का प्रयोग करना है, या तो पका या फिर पीला पपीता। बाकी शब्दों का प्रयोग हम वैसे ही करेंगे, एक पका पपीता काट लो या फिर एक पीला पपीता काट लो। तो आप किस पे अंडरलाइन करेंगे? पीला पे अंडरलाइन कर देंगे। ओके अरे रस में इतनी सारी ठंडी बर्फ क्यों डाल दी? अब आप समझ ही गए होंगे कि किसी को बोला जा रहा है कि अरे रस में, यानी कि जूस के अंदर, रस यानी जूस होता है, फल का जूस या सब्जियों का जूस जो भी है, उसमें इतनी सारी ठंडी बर्फ क्यों डाल दी? अब बर्फ़ तो बेटा ठंडी ही होती है, बर्फ़ गर्म थोड़ी होती है। तो या बर्फ़ बोल दो या ठंडी बोल दो, ठंडी तो बोलना ही नहीं है, तो ठंडी शब्द यहाँ बेकार है। तो आप यहाँ पर ये बोलेंगे, अरे रस में इतनी सारी बर्फ क्यों डाल दी? ठीक है, ठंडी नहीं लगाना है, तो ठंडी के नीचे हम अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट है जेबा, जेबा किसी बगीचे से दो ताजे नींबू तोड़ लो। जेबा किसी का नाम है, जेबा को कहा गया है कि बगीचे से दो ताजे नींबू तोड़ लो।
अब जो नींबू तोड़ रहे हैं वो पेड़ पे लगे हुए हैं, तो पेड़ पे सड़े हुए या ख़राब नींबू तो लगेंगे ही नहीं ना, वो तो अगर सड़ गया तो नीचे टूट के गिर ही जाएगा। तो नींबू जो है वो पेड़ से तोड़ रहा है तो वो ताज़ा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम इस शब्द का प्रयोग जो है ये गलत किया गया है, तो हम इसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे, दो नींबू तोड़ लो, ताजे को अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है, ताजे को अंडरलाइन करेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट में है, बेकार की फालतू बात मत करो। अब ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं ना, बेकार फिजूल फालतू बातें मत करो, कई कई बार तो तीन तीन शब्दों का भी प्रयोग कर देते हैं, जबकि आपको भी पता है, बोलने वाले को सुनने वाले को सबको पता होता है कि बेकार फालतू एक ही है, ये एक दूसरे के पर्यायवाची है, चाहे बेकार बोल दो या फालतू बोल दो या फिजूल बोल दो। तो हम यहाँ पे फालतू के शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, फालतू शब्दों के यानी कि जो शब्द अननेसेसरी है, जिनकी ज़रूरत ही नहीं है वाक्य में, उनका प्रयोग हम नहीं करेंगे। तो यहाँ से हम एक शब्द के नीचे अंडरलाइन कर देंगे, एक शब्द को हटा देंगे, बेकार की बात मत करो, या तो ये लिखेंगे या लिख देंगे फालतू बात मत करो। तो किसके नीचे अंडरलाइन करेंगे, बेकार की बात मत करो, या फिर बेकार की बात मत करो ये रख लेंगे और फालतू के नीचे अंडरलाइन कर देंगे। तो आप समझ ही गए होंगे, ऐसे कई शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं हम, कई बार ऐसे शब्द भी बोलते हैं जैसे पानी वानी पिलाना, रोटी वोटी खानी है, साग सब्जी, तो साग बोल दो सब्जी बोल दो, एक ही बात है। तो ऐसे हम दो शब्दों का प्रयोग ना करें, इसका प्रयोग करने से बचें, तो हमारी भाषा सुंदर और सशक्त बनेगी। ओके, थैंक यू।